क्लास बुआ दू क्लास बार सर विद्यार्थी संख्या दू चार छ आठ इतने इतना मतलब गौरव प्रजा के स्कूल में ई हाल बड़ा गजब है सर। देखो सर प्राइमरी स्कूल में सब स्कूल में आठ विद्यार्थी का क्लास बार बुआ का क्लास में ई का क्लास है क्या दू क्लास में आठ विद्यार्थी गौर के ये हाल है मतलब कल विजिट करे तो पांच क्लास में सात के विद्यार्थी सरकारी स्कूल के बड़ा हालत बहुत अथी बा खराब है गौर नगर पालिका में मतलब नगर में ये हालत है बाहर गांव के इलाका में प्राइमरी में तनका कम है बैसाख में होता है बैसाख में व्यवस्था कति पढ़ाई दी मैडम कति लिए पढ़ाई तब नेपाल विषय कति आप परीक्षा कौन कौन लिख ले हम लिख ले हाँ लिख ले नेपाल के राजधानी कहाँ बा नेपाल का राजधानी कहाँ बुआ नेपाल के राजधानी राजधानी कहाँ है बोला खुल गया नेपाल के राजधानी कहाँ बुआ तो घर कौन नगर पालिका में बा गढ़वा में नेपाल का राजधानी केकरा मालूम बा नेपाल का राजधानी कहाँ बुआ इतना सिंपल इतना था मैडम बिहार जी सके नेपाल के राजधानी मालूम नहीं कौन हो गए इसे किताब के बाहर के बात थोड़ा ये तो किताब ये तो जनरल नॉलेज बात है क्या चार पांच बताई सब ने बताई इसे ना बताई कितने लिखा बाबू का पढ़ाता है पढ़ाता कति लिखा है अभिषेक और जो खराब हो गया खराब हो गया कथी लिखा है कथी लिखा है कथी लिखा है लुगा हाँ तब जोर से बोल कथी लिखा है जोर से बोल आइए कथी हाँ ठीक है जोर से बोल सर ये ऐसी स्कूल में जैसा अच्छा कौन करता है स्कूल में देखा जाए तो शैक्षिक सत्र का अंत भी हो रहा है आ स्कूल में अभी तक पूरा संख्या देखा जाए तो आठ गो ई आ ओ मेरे लगा पाँच गो तेरह गो विद्यार्थी हाँ अति आगे बात हम पूरा स्कूल क्लास उठा तेरह गो अंदर चलो आप कितना विद्यार्थी बारे में नमस्कार एम ए कितना विद्यार्थी मैडम विद्यार्थी कितना बारे में अभी ये पूरा कितना होगी तीस गो सर विद्यार्थी ये स्कूल में प्राइमरी स्कूल के अथी में जमा विद्यार्थी संख्या कितना बोले तीस चालीस पैंतालीस के विद्यार्थी बोले मतलब वो ना पूरा जोर रहा है पैंतालीस के बोले कि आगे जाओ अच्छा एम एस अथी रौतहट को गौर नगरपालिका को विद्यालय में छोड़ हमी गढ़वा गाँव को विद्यार्थी संख्या एकदम न्यून छ शैक्षिक सत्र को लास्ट टाइम में विद्यार्थी संख्या न्यून हुनु यो कति दुखद कुरा हो अब सरकार को लगानी कस्तो भइरहेछ गौर नगरपालिका में तो हम देखाने प्रयास करने कितना विद्यार्थी सर दू चार छ आठ दस बारह तेरह चौदह कितना कितना बोले पूरा कितना 45 लगा आई में 14 को आगे ओके अगड़े जाऊँ ये विद्यार्थी सके ये पूरा बेंच देख सही में रख ले पड़ी सर ये क्या खुला रख ले मैडम ये खोल कर रखो ना ध्यान का खुल में कर लो अंधेरा में ही हाल है खोल दिया पूरा गंद आ रहा ये में कैसे पढ़ाई हुई थी देखो पूरा झरना उरना सब रख ले बेंच देख सही में रख ले क्या क्लास में बुआ क्या क्लास में पढ़ा क्या क्लास में पढ़ा तू सब एक में अच्छा अच्छा ये सब कम से कम जा रहा था अपना क्लास देखो अपने के फील्ड में बता जगह जगह है देखो तो अगर भवनी रही से कहां रखी थी कौन है सो ऐसे स्टॉक में कौन ट्रस्ट है ऐसे वो जरना रख लीजिए वो में है का बात करनी चाहिए जरना तो कम से कम ना रखो ना स्कूल के में व्यवस्था देखो तो अपने जगह है देखो तो इतने इतना इतना फील्ड में जगह है ना दोस्तों चोरी हो जाए चोरी हो जाए थी ताला मारो ना बोलम हाँ छः छः गाड़ी जब हॉकी में टाइम तो लगी था दू को कॉल गैप हो गया चोरी के समस्या बताइए
हम तना बता न कले हम 3 महीना आवे वाला के अपने के 3 महीना आवे वाला कॉल के नोट जे बात यहां से लोग खोल ले जाए कॉल के नोट है कॉल के नोट हां बड़ी समस्या है हां चोरी अच्छा अपने से कदी फेस करी समस्या यहां पे कदी समस्या फेस करी फेस करी है अपने समस्या फेस कति करे बाद सब एक नंबर में 3 फीट 4 फीट में दीवार गिरा दीवार गिरा के बाद में भवन के व्यवस्था और बाद में डेस्क की व्यवस्था खाने पानी की पूरा बयाती कितना रखा अभी गन लिया था झूठ ना बोला 45 को लगभग 10 गई अपने के ये में गन अपने के 90-80 अपने के ठंडा मौसम के कारण से आज उपस्थित ना ठंडा के नहीं इतना अच्छा मौसम है कि पानी ना पड़ लिया कि पानी तो पड़ गया सब बहुत पानी पड़े वो सब और अच्छा मौसम मिले तो फिर बयान आज जब बयान आऊंगे तो बयान देख तो कौन से अपने से सैलरी में सब टाइम में मिला लेकिन व्यवस्थापन करके लगी टाइम में मिला ले तो कम से व्यवस्थापन तो कम से कम बढ़िया से कर रहे हो हम तो एक प्रश्न कर लिए से 3 महीने अलग अलग आइलैंड से अपने सोचा ले अपने खोले जे बाकी सुविधा बाकी उसको खोल लेने थे वो योजना करी थी और बाकी सुविधा के लिए अपने मांग कर रहे थी तो सोचा ले मैं ताला मार कर करवा रही ताला खुला ना रहने वाला देख लिया ना ए बाहर लगा दिशा कर ले कैसा तो बाहर बाहर के लेकर पकड़ अच्छी टीचर का अभी सब पूरे आल भाई एक आदमी एक विधान ए अच्छा अच्छा हाँ दस मिनट हेन होगा ये रौतहट को श्री माध्यमिक विद्यालय गढ़वा को स्थिति हम देखाने प्रयास करते गाँव को अवस्था रौतहट जिला में शिक्षा को अवस्था के शिक्षा को लगानी के तो हेने प्रयास करते ये अहाँ का ऑफिस है आज कति बने खाना में अच्छा पैसा के कारण से नवे अपने के अपने में काम करी थी यही में थी अपने के कथी कौन पोस्ट में काम करी थी कौन पोस्ट में थी मतलब कार्यालय से कितना तलब कितना मिला ले हमनी के 8000 दिन भर में कितना कई घंटे काम करी ले तो 10 से 4 4 बजे लेकिन हमनी के तो क्या गाड़ी आवे को पर नहीं तो मतलब 9 से लेकर के 4 बजे तक जी हां 9 सारे 9 ठीक है पहले एली आधा घंटा पौने 10 बजे पौने 10 मतलब महीना के मतलब काम करी थी तो 8000 मिले सैलरी जी मतलब पूरा महीना काम करब तो 8000 सैलरी मिले तो इस हिसाब से घर पर बच्चा घर में कितना बाल बच्चा है ये हवा एक है 8000 में तो बड़ा दिक्कत चल चला है इतना महंगा जमाना कई साल से बारी का काम करी तुमने हम तो 60 से कई साल 60 कई बरस हो गए कभी 20 बरस से लेकर के अभी तक आपने 8000 मिला मिल रहा है ऐसे पहले तो आप कौन ऐसे पहले और कौन बोल रहे तो सब लेकिन 8000 कहीं ना कहीं दिक्कत बात फैमिली चलावे में बहुत दिक्कत बात सर एक मिनकर आपको व्यवस्था ना कर ली आप तो सैलरी बढ़ावे लगी 8000 आप तो हम ना बाकी व्यवस्था करते कि हम किना व्यवस्था कभी सिफारिश कर भी आए ना सिफारिश कर हम तैयारी छी करते ना बाकी तैयार देला तैयार तुम ना किस भाई ए हां करबे तुम ना मांग करबे तुम ना अपने नेपाल सरकार तो व्यवस्था कर ली अपने 17-15000 रुपया तो कहां ना बाकी देखी अभी अपने नेपाल सरकार व्यवस्था कर ले 15000 इनका सैलरी मिल बा 8000 ऐसे तो 17000 ना मुदा भी चला नहीं के तो सर्वोच्च में तो 72 साल में फैसला कर देले लेकिन सरकार हड़ताल हड़ताल कर रहा है न दे रहा है कहीं ना कहीं अपने की भी आवाज है कि कहीं न्यू तलब अपना 15000 रह देवे की 8000 में काम करी थी अगर बाहर काम करम अच्छी जुगाड़ी में तो कितना के रोज मिले वहां बाहर में तो अभी 6-7 600 रोज मिली मतलब महीना देखा जाए तो 18000 महीना से मतलब आ जाए 17000 तक आ जाएगी आई में 8000 वाले नेपाल गवर्नमेंट से और पेंशन तो कर लेगी ना पेंशन सर पूछो ना सर एकदम बड़ा दिक्कत है बहुत दिक्कत है देखो अपने से समस्या में दिखा आ रहा है कम से कम सोची लेकिन प्रत्येक महीना में मांग 17000 मांग कर बाकी देबे नहीं करी ना दिक्कत है यार बाल बच्चा भी ना पढ़ावे सके छी हमनी के बाल बच्चा भी बैठ गेल है ओही लेखा पैसा ना कोई वजह से पैसा ना पूग रहा है सर समस्या है घर परिवार सब भेद में सब तक किचकाच किचकाच हो हमनी सब ये आशा करे छी कि ऐसे पहले से खटे चलबे छी कहीं अब कहीं हो गए तो ये आशा पर हम सब छी न तो ऐसे कोनो होना जाना कुछ न है ऐसे तो बहुत दूसरे जगह कहीं काम करते थे ठीक लेकिन हमने आशा पर सरकार तो झूठ मूठ के बात सब निकाल निकाल के पेपर में कभी गोरखा पत्र में निकाल दिला कांतिपुर में निकाल दिला कभी कथ कहे छे रेडियो उडियो से बोल दिला बराबर हम सब पेपर भी रख ले छी ठीक है आगे आगे आवाज जगह पर होगी अब उम्मीद बाकी अपने के आवाज के संबंधन हुई धन्यवाद ये है सर।